तो गाइस ऐसा कुछ रास्ता है तिरथगढ़ का। मैंने एटलीस्ट 70-80 स्टेयर केस डाउन नीचे उतर गया है, लेकिन अब भी और बहुत नीचे है। मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ऊपर आते समय मज़ा निकलेगा। ये देखिए गाइस, स्टीप है। गाइस हम हैं अभी तीरथगढ़ वाटरफॉल्स में, तो ये सब बेच रहे हैं। जी जो इंटरेस्टेड है इसमें, हाँ दीदी के वजह से हो रहे करके बोल रहे गाइस। और 5 साल रुको, कीमा कीमा आज का मेन्यू है। तो गाइस ऐसे कैप्स हैट्स वगैरह ऐसे मार्केट्स है, तो आप चाहो तो कुछ खरीद सकते हो। हम लोग तो थम्सअप आई मीन कोल्ड ड्रिंक्स पीने का प्लान किए। ये देखिए हमारे दीदी को, छोटे बच्चे बन रहे सब लोग। रख दो, मार खाओगे। देखो जीजू फिर इधर से इधर भी पकड़ ली ये सब चीजें, हर जगह वायलेंस। पता नहीं जीजू के साथ साथ KGF 4 बनाएंगे ये लोग। टमाटर अनियन और थोड़ा मिर्ची सब डाल के उसके ऊपर 2 या 3 अंडे का डाल के उसको बना के देते हैं। समझ गया ना भैया, ये वाला एक ऐड कर दीजिएगा। दीदी वेज वालों का क्या खाते हैं वो लोग? बच्चों और आलू भजा, पोटल बदल पोटल भजा और आलू चप्पा, आलू चप्पा, आलू चप्पा, बड़ी चूड़ा, बड़ी चूड़ा और सुखवा मच, सुखवा मच। वेज वालों में सुखवा मच कैसे कहेंगे? वेज सुखवा मच, वेज सुखवा। दीदी हैप्पी बर्थडे। तो हम अभी पहुंच गए हैं दलपत सागर लेक। ये लेक तो आपने मेरे वीडियो में बहुत सारे देखे होंगे, बट हम पूरा गैंग लेकर इधर आए हैं। देख सकते हो हमारे रिसोर्ट से ये नेचर ट्रेल शुरू होता है। रात को नहीं, अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, टाइम 7 बजने लगे। तो आप देख सकते हो ये जो रोड है, ये स्टेयरकेस जो है वो नीचे जा रहा है। हम लोग इससे नीचे जाएंगे सुबह, और पता नहीं आपको रात को दिख रहा है कि नहीं, वो है हमारा नायगरा फॉल्स ऑफ इंडिया, द चित्रकूट वाटरफॉल्स, और ये है हमारे कॉटेजेस बेसिकली। तो गाइस ये है दंडामी लग्जरी रिसोर्ट का कैंटीन। हमने पहले ही ऑर्डर दे दिया था डिनर में कि हम क्या खाएंगे, अभी टेबल पर रेडी है, बैठ जाएंगे और खा लेंगे। सुनीता दीदी हैप्पी बर्थडे।
गाइस ऐसा कुछ हाउस या वैसा रूम बोल सकते हो डंडा मिल लग्जरी रिसोर्ट के एरिया बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। रात को लिटरली यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं रहती है, तो दोस्त वैसे बाहर बैठ के करें भी क्या, तो फ़ायदा नहीं है। इतने बड़े एरिया का रात का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो ऐसे रूम्स हैं, ऑब्वियसली आप रूम्स के वरंडा में बैठ के बात कर सकते हो, दोस्तों के साथ आ रहे हो, तो ये रूम्स इज़ अ बजट फ्रेंडली स्टे। दिन का कुछ 3,300 आज होता है, और आगे आपको चल के दिखाऊंगा कॉटेजेस, जो कि सेम वुडन टाइप कॉटेजेस, और वो पड़ता है दिन का 5,200 समथिंग। सब देख सकते हो ऐसे बोटिंग कुछ भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, पता नहीं अब कितना रिस्क है कितना सेफ है। मैं नीचे जाके ट्राई करना तो चाहता हूँ बोटिंग के लिए, अगर मेरे ग्रुप का कोई मेंबर मेरा साथ दिए, पता नहीं अगर सिंगल जा सकूँगा या नहीं।